अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शफकत हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिश मास्टर। क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से हैं। वीडियो आज MS मीडिया स्टार Z1 जो 4K एंड्रॉयड है और फिर ये ओल्ड में है तो नए हमारे पास हैं, तो कीमत काफ़ी उसकी ज़्यादा है, लेकिन इसकी कीमत उससे कम हो तो वो कैसी कंडीशन हो, तो उसकी क्या होनी चाहिए कीमत, तो इस तरह की कुछ वीडियो लेके आए हैं। तो बिल्कुल एक बात पहले से है कि सॉरी, क्योंकि ये है एक किसी भाई को ऐसे ज़रूरत पड़ जाती है 0334-6894-818। अच्छा, तो फिर मेरे साथ कोई एक्सचेंज करना हो, मुझे कोई जो अच्छे रिसीवर जिस तरह 4K वगैरह हैं तो मुझे सेल भी कर सकते हो। और फिर हम चलते हैं इसके कंडीशन की। सबसे बड़ी साइज़ है इसकी, पहले कुछ इसका यहाँ पे डिटेल हैं और इसका वर्जन देखें 7.0 और फिर उसके बाद 2GB रैम। अच्छा, पहले मैं बता दूँ, नया जो है वो भी मेरे पास है लेकिन उनकी रैम 1.5GB है, तो इसकी 2GB है मेरे पास नहीं, बल्कि कोई भी नया आ रहा है तो उसकी 1.5GB है। और काफ़ी लंबी साइज़ में है ये, अच्छा है, बोर्ड काफ़ी लंबा है। और फिर उसके बाद कहने का मकसद है बड़ा है, तो उसके बाद इसकी कंडीशन वाइज दिखाने वाले हैं। और ये इसकी बैक साइड है, आप देख सकते हो। और ज़्यादा आवाज़ के लिए ये रहा, ऑडियो वीडियो कोई नहीं यूज़ करता। HDMI ये है और फिर LAN और फिर मेमोरी कार्ड और फिर 3.0 इसकी बिल्ट इन वाईफाई है ही। और फिर उसके बाद ट्यूनर एक होता है, Z1 और Z2 में ट्यूनर का फ़र्क है और उस ट्यूनर का अब फ़ायदा नहीं रहा इसमें, बाकी कोई फ़र्क नहीं है, रैम में भी नहीं है, चलने में भी नहीं है। और एक चीज़ है ग्राफिक हो, और फिर मोबाइल पर डिस्प्ले इसकी आती है, और क्योंकि इस पर ये जो इन पे एप्लीकेशन है जो वो एक पुराने जो हमारे पास जितने भी मोबाइल हैं तो उनके वर्जन पे क्रोम पे मतलब डाउनलोड होती है, नए पे वो नहीं होती जिसके एंड्रॉयड वर्जन ज़्यादा हैं 10 से। अच्छा, फिर उसके बाद ये बैग देख रहे हैं कंडीशन वाइज दिखाने वाले हैं। और इसकी डिस्प्ले जो है ना, इसकी काफ़ी अच्छी है, लोगों ने इसको पसंद भी किया इस डिस्प्ले पर। और फिर उसके बाद फ्रंट आया इसका इस तरह, तो फिर अब तो इसके ऊपर ये देखें इस तरह, मतलब ये है कि कोई ये छापर नहीं पटा हुआ, ठीक है, लेकिन ऊपर प्लास्टिक होता है इसके ऊपर मुकम्मल, एक जेन्युइन कंपनी का शुरू से ये होता है इसका, तो देख सकते हो नए के साथ मतलब इस तरह होता है, यहाँ से पता चलता है इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है, बॉडी स्टील की है। इसके साथ कुछ और सामान भी होता है तो वो अभी ज़रूर शेयर करने लगे हैं। तो एक तो ये होता है इसके साथ, इसको कोई यूज़ करते हैं कोई नहीं भी करते, फिर उसके बाद इसको यूज़ तो करते ही हैं क्योंकि इस पर आपको ऐड और एडिट वाला बटन, एडिट वाला डिलीट वाला बटन जो है वो यूज़ करना होता है क्योंकि उस पर नहीं काम करते। अच्छा, वो ये हैं बटन, ठीक है, ये ऑडियो वाला, ये चीज़ें, ये बटन वहाँ काम नहीं करते। इसकी कंडीशन वाइज जो दिखाने लगा हूँ, और ये देख सकते हो मीडिया स्टार का मिनी का इसमें वर्क है, लेकिन वो भी यही वर्क नहीं करेंगे ये जो ऐड वाले हैं। तो बहरहाल इसकी कंडीशन वाइज देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो। फिर हमें ये मिलता है, ये इसलिए होता है इसकी बैक साइड में आके लगता है, ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर इसके साथ मोबाइल अटैच किया है तो वो आप दूर ले जाएँ तो इसलिए ये ज़रूरत पड़ता है, ये साथ में होता है लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। तो और HDMI इसके साथ नहीं है, लगता है LED के लगाने से पीछे लगाते हैं फिर बेचते हैं तो उसको देते नहीं हैं। नए के साथ ये कंप्लीट होता है, मतलब इसमें कमी है तो HDMI की होगी, तो बाकी नहीं है कमी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना, ये है जो आप कोई इस पर पढ़ना चाहे तो ये भी साथ में होती है, नमी ना हो तो ये इसलिए होती है। LED ऊपर ऑन हो गया है, LED ये सेटेलाइटें शायद यूज़ किया है, कम है, बाकी आप खुद से ऐड कर सकते हो। नीचे यहाँ ऐड के बटन हैं, इसके ऊपर निशान हैं, और यही सिग्नल आपको मोबाइल पे भी ये आ सकते हैं, और क्योंकि इस पर वर्क है वो एप्लीकेशन जो मैंने बताया। लैंग्वेज चेंज करें, कोई भी रेगुलेशन रखें, ऑटो है, हॉटस्पॉट भी इसकी है, ब्लूटूथ है,
और नया 32 का है, जैसे कि मैंने बताया उसकी रैम भी कम है, और फिर ये 16500 का है आपको पहुंच, और वीडियो ख़त्म कर लेते हैं।